लेट स्टार्ट स्टोरी ऑफ अ फार्मर एंड देयर फोर सन्स। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। वंस का मतलब एक बार एक ओल्ड फार्मर बूढ़ा किसान लिव्ड इन अ विलेज मतलब एक जंगल में रहता था। ही हैड फोर सन्स उसके चार लड़के थे। दे वर ऑलवेज क्वारलिंग विद ईच अदर। क्वारलिंग मतलब लड़ना, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। द फार्मर ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग यूनिटी अमंग देम। जो किसान था उसने ट्राइड कोशिश करी हार्ड बहुत ज़्यादा टू ब्रिंग लाने की यूनिटी एकता अमंग देम उन चारों में यूनिटी लाने की कोशिश करी। बट दे वुड नेवर लिसन टू हिज फादर लेकिन बाद में उसने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। ही वॉज मतलब जो किसान था वेरी वरीड बहुत चिंतित था अबाउट देयर फ्यूचर वो अपने बेटों के फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित था। वन डे द ओल्ड फार्मर फेल सिक बीमार पड़ गया। एक बार एक किसान जो था वो बीमार पड़ गया। एंड डिसाइड ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमंग हिज सन्स एंड और डिसाइड कोशिश करी ही शुड ब्रिंग लाने की यूनिटी एकता अमंग हिज सन्स उसने अपने चारों बेटों को एक साथ लाने की कोशिश करी। एंड आस्क देम टू ब्रिंग फ्यू स्टिक्स और उसने कहा देम उन सबसे टू ब्रिंग फ्यू स्टिक्स के आप कुछ लकड़ियाँ लेकर आए। द फार्मर आस्क द एल्डेस्ट सन टू टाई देम। द फार्मर सेड फार्मर ने कहा द एल्डेस्ट सन एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े टू टाई देम उसे किसी एक साथ बांधने के लिए कहा। इन अ बंडल एक साथ एक बंडल में बांधने के लिए कहा। ही देम आस्क देम टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक इट। ही देन फिर उसने आस्क कहा देम सबसे टू ट्राई करो कोशिश देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक इट कि अपनी अपनी कोशिश करो जितनी कोशिश कर सकते हो और इस बंडल को तोड़ दो। ईच ऑफ द सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल हर बंदे ने कोशिश करी हर लड़के ने कोशिश करी बट फेल्ड लेकिन हार गया। देन द फार्मर अनटाइड लेकिन फिर फार्मर ने अनटाइड खोलने को कहा द बंडल फिर फार्मर ने वो बंडल को खोलने को कहा। एंड गेव देन द फार्मर अनटाइड द बंडल फिर फार्मर ने उस बंडल को खोलने को कहा। एंड गेव वन स्टिक टू ईच अदर फिर उसने दी गेव मतलब देना दी वन स्टिक टू ईच अदर एक एक को एक एक लकड़ी दे दी। एंड आस्क देम और कहा टू ब्रेक इट के इसे तोड़ दो। ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजीली ईच ऑफ देम मतलब उन सब ने वॉज एबल हो गए काम करने के योग्य हो गए मतलब बंडल में से जो लकड़ी दी थी उसको तोड़ने के योग्य हो गए। टू डू इट ईजीली उसने आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया। द फार्मर सेड नाउ द फार्मर ने कहा नाउ अब यू अंडरस्टैंड तुम समझ गए इफ़ यू आर अनटाइड अगर तुम सब बंधे हुए रहोगे नोबडी कैन गेट बेटर ऑफ यू तो तुमसे भी अच्छा कोई भी नहीं होगा। बट यू कीप क्वारलिंग अगर आप लड़ते रहेंगे यू विल बी ब्रोकन बाय एनीवन तुम्हें कोई भी व्यक्ति तोड़ देगा। मोरल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। बड़े मीनिंग्स पढ़ते हैं। फार्मर मतलब किसान वह व्यक्ति जो खेती का काम करता है उसे किसान कहते हैं। अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड्स और क्रॉप्स और रेजन एनिमल्स। विलेज वी आई डबल एल एज ई विलेज विलेज मतलब गांव। क्वारलिंग क्यू यू ए डबल आर ई एल आई एन जी क्वारलिंग मतलब लड़ना। टी आर आई ई डी ट्राइड कोशिश करना। एच ए आर डी हार्ड हार्ड मतलब कठिन और मुश्किल। यू एन आई टी वाई यूनिटी यूनिटी मतलब एकता। ए डी वी आई सी ई एडवाइस मतलब सलाह। डब्ल्यू ओ डबल आर आई ई डी वरीड वरीड मतलब चिंतित होना चिंता करना। एफ यू टी यू आर ई फ्यूचर फ्यूचर मतलब भविष्य। डी ई सी आई डी ई डिसाइड निश्चय करना। ए एस के ई डी आस्क मतलब कहना कहा।
STICKS स्टिक्स मतलब लकड़ी, ELDESTSON डेस्टसन मतलब सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा लड़का, BUNDLE बंडल बंडल मतलब लकड़ा गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा, STRENGTH स्ट्रेंथ मतलब ताकत, FAILED फेल्ड मतलब हार गया, UNTIED अनटाइड मतलब खोलना, UNDERSTAND अंडरस्टैंड मतलब समझना, NOBODY नोबडी मतलब कोई नहीं, BROKE ब्रोक मतलब तोड़ देना। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं स्टोरी को। वंस एन ओल्ड फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, ही हैड 4 सन्स, दे वर ऑलवेज क्वारलिंग विद ईच अदर, द फार्मर ट्राइड हार्ड टू ब्रिंग यूनिटी अमंग देम, बट दे वुड नेवर लिसन टू हिज एडवाइस, ही वॉज वेरी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। वन डे द ओल्ड फार्मर फेल सिक एंड डिसाइडेड दैट ही शुड ब्रिंग यूनिटी अमंग हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रिंग फ्यू स्टिक्स। द फार्मर आस्क्ड द एल्डेस्ट सन टू टाई देम इन अ बंडल, ही देन आस्क्ड देम टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक इट। ईच ऑफ द सन ट्राइड टू ब्रेक द बंडल बट फेल्ड, देन द फार्मर अनटाइड द बंडल एंड गेव वन स्टिक टू ईच एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, ईच ऑफ देम वॉज एबल टू डू इट ईजिली। द फार्मर सेड नाउ यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर अनटाइड नो बडी कैन गेट बेटर ऑफ यू, बट यू कीप क्वारलिंग यू विल बी ब्रोकन बाय एनी वन, मॉरल यूनिटी इज स्ट्रेंथ।